समय सारणी को लेकर सोलन के व्यापारियों की भी मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। कुछ व्यापारी इसे बेहद अच्छा मान रहे हैं और कुछ का कहना है कि समय ज्यादा मिलने की वजह से व्यवसाय जल्दी ही पटरी पर आ जाएगा और अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा। वहीं कुछ व्यवसायी चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। उनका मानना तो ये है कि कुछ समय के लिए ये व्यवस्था सभी को खुशी प्रदान करेगी, लेकिन अगर कोरोना फिर से लौटता है तो उस स्थिति में प्रदेशवासियों को भयावह परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। व्यापारियों ने बाजार के खुलने के समय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय 10 से 6 का बिल्कुल सही था और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय भी सरकार का ठीक था, लेकिन अब इस समय को बढ़ाकर सुबह 9 से रात 8 बजे तक कर दिया गया है, जो बेहद गलत है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उस स्थिति में संभलना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी मामले कम हुए थे तो प्रदेशवासियों ने नियमों का पालन करना छोड़ दिया था, परिणाम स्वरूप कोरोना के मामलों में बेहद वृद्धि हुई थी, जानमाल की हानि भी अधिक हुई थी, जिसके चलते फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसलिए अब सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं कुछ व्यापारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। देखिए, इसको जल्दबाजी का कदम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को व्यापारियों के अंडर प्रेशर आके भी ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि काफ़ी समय से तो आप देख रहे थे कि लॉकडाउन था, उसके बाद ये धीरे से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये डिसीज़न लिया है कि 8 बजे तक, ये पहले 5 बजे तक ही बाज़ार चलते रहते और सैटरडे संडे ऑफ रहता, क्योंकि अभी ये आप हमारे को पूरे हिंदुस्तान में अनएक्सपेक्टेड था कि सेकेंड वेव भी आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए कि सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, जहाँ पर जो लोग बहुत हेल्दी है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे को जानों का। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न तो ठीक ले लिया, व्यापारियों के पक्ष में ले लिया, लेकिन आप ये लगा के चलिए, एक तो इससे भीड़ बहुत होगी मार्केट में, दूसरा जो है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो यंग जनरेशन है उसको घूमने का बहुत शौक है, वो सारी मार्केट में क्राउडेड, इतना ज़्यादा क्राउड क्रिएट कर रहे हैं जिससे, और वो अनअवेयर हैं इस बीमारी से, और ये ट्रांसमिट डिजीज़ है ये एक, और जैसे गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई हैं कि 10 मीटर का डिस्टेंस बनाइए सोशल डिस्टेंस, हिंदुस्तान में किसी भी मार्केट में 10 मीटर का सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा छोटी छोटी मार्केट और पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में तो इतनी छोटी गलियां हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ रहेगी तो उससे जो है कोरोना को फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे हमारे को एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि 8 से लेकर 15 वीक के बीच में थर्ड वेव भी आ सकती है, तो हम इसको लाइटली ना लें। हम आपके माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि चाहे इस डिसीजन को रिवर्ट भी कर लें, 9 से 5 का जो टाइमिंग्स थी वो बहुत गुड थी। मैं मानता हूँ कई लोगों को इनकन्वीनियंस थी, जो जॉब करते हैं वो नहीं आ पा रहे थे मार्केट में, या वो किसी कारण से अपनी बाइंग्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस समय जो है लोगों का सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक बाज़ार को खुलना जो है वो एक अच्छा साइन नहीं है। और साथ के साथ आपको वीकेंड लॉकडाउन होना ही चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने टोटली अनलॉक कर दिया, ये अभी आज आपको तो ये बड़ा सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये देखिए ये सिचुएशन फिर थर्ड वेव की ओर ना ले जाए हमारे को, जब क्राउड्स बहुत ज़्यादा होंगी, लोग किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, किसी भी चीज़ का जो है पालन नहीं करेंगे तो बीमारी तो ऑब्वियसली फैलेगी। आज सोलन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5-6 दिन से कम केसेज आ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं। और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा खतरा था कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो आ गया है, तो डेल्टा वेरिएंट जो है उसके 48 केस आज हिंदुस्तान में आए हैं, तो उस 48 केस में तो कुछ हमारे आस पड़ोसी राज्यों के भी आए हैं, जो एक खतरनाक साइन है। इसलिए मैं ये गवर्नमेंट को जैसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, तो चाहे आप 9 से 5 का ही ये टाइमिंग्स रखिए और वीकेंड लॉकडाउन करिए, अभी एक महीना ऐसा हम फॉलो कर सकते हैं। ये निर्णय अब तो लेना ही था सरकार को, क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चला हुआ था और अब केसेस भी कम हुए हैं, तो ये सही निर्णय है, क्योंकि काफ़ी होटल वगैरह भी बंद थे, उनके काम बिल्कुल कम पड़ गए थे और काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए थे, होटल लाइन के काफ़ी लड़के घर में बैठे थे और उनके काम धंधे एकदम बिल्कुल बंद हो गए थे, तो मेरे ख्याल से तो खुलना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल का एकमात्र साधन इनकम का जो है टूरिस्ट है, टूरिस्ट हिमाचल आएंगे तभी होटल चलेंगे, सरकार को इनकम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो सही निर्णय है ये। तो जैसे अब सुबह 9 से लेकर शाम के 8 बजे तक खुल रही है, तो कैसे आप इस निर्णय को देखते हैं? ये सही समय है 9 से 8,
क्योंकि अब आजकल मैं पहले भी कहता हूँ कि आजकल जो है गर्मियों का सीज़न चला है और शादियों का भी सीज़न चला है, लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कोरोना केसेज में भी कमी आई है, तो बीमारी तो हमेशा चलती रहेगी। अब परमानेंट बंद करने से तो लोग बेरोजगार होंगे, भूखे मर जाएंगे लोग। तो सरकार का धन्यवाद जो उन्होंने सुबह से शाम तक खोला है, पर मैं फिर भी अपने व्यापारी भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर यह टाइमिंग 9 से 6 हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो हम भी अपने परिवार को अच्छा टाइम दे पाएंगे और उससे हम मतलब रेगुलर हो जाएंगे, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा को, सबको हम टाइम दे सकते हैं जी, अगर 9 से 6 हो। नहीं तो क्या होता है जी, 9 से 8 आप करते हो काम और उसके बाद 8 बजे थक के जाते हो, 9 बजे तक पहुँचते हो, फिर वही सोना, कोई मतलब फैमिली दे नहीं पाते हो, फैमिली शेड्यूल नहीं बन पाता। 9 से 6 इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। एक तो 6 बजे जो 5 बजे कंपनी से छूटते भी हैं वो भी 6 बजे तक सामान ले ले और उनके लिए भी एक घंटा बहुत होता है। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, बाकी व्यापारी भाइयों का अपना है,